वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. वेरी नाइस. तो आज हम सीखेंगे थंब एंड फिंगर पेंटिंग कैसे करना है. वो कल के सेकंड सेशन में हमने देखा था घर में कलर्स कैसे बनाने हैं. है कि नॉन टॉक्सिक कलर्स बनाए थे हमने मैदे से एंड एक्रेलिक कलर बनाए थे फेविकॉल एंड पाउडर से. है कि नहीं. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से एक टाइप से कलर घर में कर सकते हो. और वो करने के बाद अभी जो मैं आपको थंब पेंटिंग एंड फिंगर पेंटिंग की एक्टिविटी दिखा रही हूँ वो आप बच्चों को करने दीजिए. ओके. और करने के बाद अपलोड कीजिए हमारे नर्सरी क्लासरूम के पेज पे. ओके. तो कल हमने जो हमारा कल का सेशन था सेकेंड सेशन में हमने जो कलर्स बनाने सीखे थे उसके एंड में हमने ये फिंगर पेंटिंग दिखाई थी. है कि नहीं. तो अभी हम वापस एक और फिंगर पेंटिंग देखेंगे एंड थंब पेंटिंग. ओके. थंब और फिंगर्स इन दो फिंगर्स के साथ हम पेंटिंग करेंगे. ओके. तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो मैं यहाँ पे रखती हूँ. अभी हम बलून्स निकालेंगे आज. ओके. बहुत सारे बलून्स निकालेंगे. तो पहले हम लेंगे विच कलर वेदा. विच कलर इज दिस. रेड. वेरी नाइस. ठीक है. आप भी लीजिए यहाँ से. कौन सा एक लीजिए. अलग लीजिए आप और थोड़ा सा ऐसे टैप कीजिए. ओके. टैप इट ओवर हियर. यहाँ पे दूसरे कलर्स में गिरना नहीं चाहिए. ओके. मैं बताती हूँ वहीं पे करना. यहाँ पे कीजिए ओवर हियर लाइक दिस. वेरी नाइस. वेरी गुड. नाउ अभी यहाँ पे पॉन्स कीजिए. अपना हाथ साफ कीजिए. अभी हम दूसरा कलर लेंगे. येलो कलर लेंगे. ओके. टैप कीजिए. कलर लेने के बाद टैप कीजिए थोड़ा सा एंड प्रेस इट ओवर हियर. वेट. यहाँ पे कीजिए. ओके. साफ कीजिए अपना हाथ. नाउ अभी हम ब्लू कलर लेंगे. ओके. ब्लू कलर के बलून बनाएंगे. यहाँ पे एक आप भी लीजिए. ओके. दिख रहा है सबको. वेरी नाइस. ये वाला ब्लू लीजिए डार्क. ओके. आपने अच्छे से ले लिया. ओके. ओके. अभी हम पिंक कलर लेते हैं. वेट. ऐसे आपको सिर्फ बलून बनाते जाना है बनाते जाना है. अभी मैं ग्रीन कलर लेती हूँ. कौन से भी फिंगर्स के साथ कर सकते हो. मिडिल पॉइंटर. ओके. आपको जिससे करना है उसके साथ आप कर सकते हो. अच्छे से करना है. ये हमने घर में बनाए हुए कलर्स हैं तो बच्चे और भी एंजॉय करते हैं कि घर में बनाया है मम्मा ने कलर. है कि नहीं. तो इसीलिए हमने घर में बनाया है. हम मार्केट से भी ला सकते हैं. नो इशू. बट ऊपर गया आपका बलून. ओके. तो और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं क्योंकि हमने घर में बनाए हैं तो थोड़ा टेंशन नहीं रहता है. तो आप जरूर बनाइएगा घर में ही. बस अभी बस हो गया. बेटा कौन हो गए बलून्स रेडी. हो गए हैं. बस ज़्यादा नहीं बनाना. आप थंब से भी कर सकते हो. ओके. थंब से यहाँ पे लाइक दिस. अभी यहाँ पे हमने ऑलरेडी बलून्स बनाए हैं. ओके. अभी इन बलून्स को हम ऐसे जॉइन करेंगे लाइक दिस. ओके. यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ आप मेरा हाथ पकड़िए. एक सेकेंड बेटा. हाँ आप ये वहीं से पकड़िए मेरा हाथ. ओके. नाउ यहाँ पे हम
वेट वेट वेदा वेदा वेट वेट नो 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 प्लीज वेट वेट तो देखिए आप ये बलून्स हमारे रेडी हो गए हैं है कि नहीं। यहाँ पे हमने उन्हें बांध दिया है, ऐसे दिखाया कि यहाँ पे बांधा है और ऊपर सारे बलून उड़ रहे हैं है कि नहीं। तो ऐसे आप भी बलून बनाइए थंब एंड फिंगर पेंटिंग से ओके, और घर में कलर्स भी बनाइए एंड ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिए और अपलोड कीजिए हमारे नर्सरी क्लासरूम के पेज पे। और कल हमने जो ट्री बनाया था वो भी बनाइए, सिर्फ ट्री का शेप बनाना है हमें ओके। तो ऐसे टू स्टैंडिंग लाइन बनाइए और ऊपर सारे थंब पेंटिंग या फिर फिंगर पेंटिंग से आप सिर्फ डॉट 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 देने हैं आपको, तो ट्री भी रेडी हो जाएगा है कि नहीं। तो ऐसे आपको फिंगर पेंटिंग या फिर थंब पेंटिंग से पेंटिंग्स रेडी करना है ओके। तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे ये एक्टिविटी, तो आप ज़रूर 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 इंट्रोड्यूस कीजिए उन्हें ओके। तो इससे बच्चे ये हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि नहीं, तो तंग भी नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये एक्टिविटी हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करानी है और इससे उनके फाइन मोटर स्किल्स अगेन डेवलप होते हैं क्योंकि फिंगर्स की एक्सरसाइज होती है, लेकिन फिंगर पेंटिंग से थंब पेंटिंग से, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, तो उन्हें करने दीजिए ओके। चल देन बाय बाय एवरीवन, अभी हम कल मिलेंगे। हम नए सेशन में बाय मिलेंगे।